नाना जी मुझे उम्मीद ही नहीं कि इस तरह से आप मुझे कुछ अपनी ओर से कहें जिससे इस विषय की बात था तो ये इंटरव्यू का मौका मिल भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा मत लोग जो किस दूर सुन रहे थे जो है, वो मुझे क्या होता है कि उसको कुंडली में लिखवा के आते प्रेम और स्नेह, तो ये कुंडली के सुख है हमारे। तो बड़ा कठिन काम है खासकर मेरे लिए ऐसे शख्स का इंटरव्यू करना जिसको मैं करीब 25-30 सालों से जान रहा हूँ। ज्यादा हो गए 25 तो हम मुंबई हो गए, अच्छा, 84 आपको 35 वर्ष हो गए, 85 में मिले थे सागर विश्वविद्यालय में तो 34 वर्ष हो गए। तो ऐसे विद्यार्थियों को देख के क्या याद आ रहा है, कुछ ऐसी चमक लेकर आए थे आप? बिल्कुल, अपन ऐसी ही चमक लेकर आए थे और मुझे लगता है कि मन में एक उमंग थी और वो उमंग आज भी बरकरार है, ये मुझे यहाँ पे बैठे नजर आया। तो हमारे और आपके जीवन में एज कम है तो नहीं है, एज का महत्व है, तो हम बड़े आनंदित है कि हम आज भी एज ही है। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप ग्रूमिंग, जैसे आप गाड़ावाड़ा से आए थे, हम करेली से आए थे, सागर विश्वविद्यालय में मिले, और उसके बाद कैसी, कभी सोचा था कि जब सागर विश्वविद्यालय से निकलोगे तो बाद में जब लौटोगे तो ऐसी शख्सियत बन के लौटोगे? ईमानदारी की बात है कि हम जीवन में कभी हमने कुछ प्लान नहीं किया, हमने हमेशा से ट्रुथ ऑफ द मोमेंट, वो हमारे अभिनय में भी आपको देखने मिलेगा कि पल का सत्य, हम पल के सत्य में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय का हमें भरोसा नहीं है कि वो हमारे कितनी साल से हमारे हाथ में है और पीछे वाले समय हमारे हाथ में नहीं है। तो ये समय है, समय को पूरी क्षमता के साथ, शिद्दत के साथ और अपनी तमाम ईमानदारी के साथ जाइए। तो एक एक क्षण हमारे जीवन में एक फिलोसफी विशेष, ये आप भी परिचित होंगे कि रही है कि अन्न का कण, समय का क्षण और व्यक्ति का प्राण, इन तीनों चीजों की रक्षा कर लीजिए। आप देखेंगे कि कण आपको अन्नदाता बना देगा, क्षण आपको समय का सिकंदर बना देगा और प्राण आपको एक संकल्पित व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। अच्छा, मुझे की बात यह है कि ये जो जुमलेबाजी है लोग तो आज सुन रहे हैं मोदी जी के भाषण में, मगर हम लोग तो आपसे लंबे समय से सुनते आए हैं ये सारे जुमलेबाजी जो आज आप भी करते हैं। वाह, तो वाह, ऐसे देखिए, पर हम सब लोग जैसे मनोज जी यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग हॉस्टल में थे और हम लोग के रूप में आपकी जो शख्सियत थी तो ऐसा था कि लगता था ये शख्स कुछ तो बनेगा, क्योंकि जो रॉनेस की बात की थी तिवारी जी ने कि एक रॉनेस होती है खासकर बुंदेलखंडियों में, तो वो रॉनेस आप में कूट कूट के भरी हुई थी। और जब याद होगा कि जब NHT में उस वक्त एक साथ सागर की तीन विद्यार्थियों का हुआ, है ना, आपका हुआ, मुकेश भाई का हुआ, ऋषि वदन त्रिवेदी का हुआ, आमतौर पर होता है ऐसा कि NHT वाले भी एक प्रदेश से एक या एक को ही लेते हैं, बड़ा टफ एग्जाम होता है, मगर जब सागर विश्वविद्यालय से तीन विद्यार्थियों का एक साथ एक ही बैच में हुआ, तो जब हमने आपसे पूछा था कि यार तुमने ऐसा डर क्या दिया कि कौन हो गया, तब आपने कहा था कि जो चुटकुले तुमको सुनाते थे कोई वहां सुना दिया। ये जो चुटकुलेबाजी है ये कहां से सीखी? ये इसमें हमारा ये मानना है कि हमारे परिवेश का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको पता है कि अपन नरसिंहपुर जिले के लोग हैं, आप करेली के हैं, गाडरवारा के हैं, तो गाडरवारा एक ऐसे कुछ लोगों का निर्माण परिवार के लोग करते हैं और कुछ शहर ही ऐसे होते हैं जो परिवार के जैसे होते हैं और वो पूरे के पूरे शहर मिलकर आपका निर्माण कर देते हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति का हुनर जो कहें, तो बाबूजी हमारे जो थे वो उनके पास किस्सा गोई का हुनर था, उनको 10-15 हजार कहानियां कंठस्थ थी और हमारी माता जी के पास वैचारिक क्षमता थी। तो माँ से विचार मिले, बाबूजी से अभिव्यक्ति मिली और नगर से प्रोत्साहन मिला और धीरे धीरे ये दक्षता आती चली गई। और आपका नगर भी आचार्य या ओशो या भगवान रजनीश का नगर रहा है जो एक साथ कई कई घंटे किससे कहानी सुनाते रहे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है वो संस्कार भी आपने। बिल्कुल, मतलब हमारा शहर जो है उसकी सबसे अच्छी बात ये रही है कि जैसे बाबा नागार्जुन, हम गाडरवारा जैसे शहर में जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तो बाबा नागार्जुन को हम इतने करीब से सुनते थे, वो वालदास नीरज ऐसी शख्सियतें हम लोगों के उस छोटे से कस्बे में आया करती थी, उसी का कारण था कि हम, हमारा शहर जो था कि मैं आज पूरे होश और आवाज में बोल रहा हूँ,
इतनी तमाम फिल्में करने के बाद और तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की भी फिल्में करता हूँ हिंदी के अलावा, राष्ट्रीय भाषा के अलावा, तो मैंने जितनी अच्छी रामलीला की स्क्रिप्ट गाडरवाल में लिखी जाती थी उतनी अच्छी स्क्रिप्ट मैंने आज तक ना पढ़ी है, ना सुनी है, ना देखी है। और मुझे इस बात का गौरव है कि उन रामलीला के किरदारों को उतनी अच्छी स्क्रिप्ट में करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो रामलीला जैसे गाडरवाल ने आपने खूब रामलीला की है, मगर रामलीला करते करते कभी सोचा था कि पर्दे पे भी ऐसे ही रामराज और विलेन दुश्मन संघर्ष के और क्या क्या जो तमाम चीजें आपने जो हासिल की है वो सब पाओगे? विशेष यस, रामलीला का कितना रोल रहा आपके अभिनेता? देखिए क्या होता है कि जब हम और आप सब बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर कई किस्म की महत्वाकांक्षाएं उस सबने पैदा होते रहते हैं कि कभी लगता है कि हम कलेक्टर बन जाएं, कभी लगता है कि हम इंस्पेक्टर बन जाएं, कभी लगता है कि हम रेलगाड़ी चलाएंगे, कभी लगता है कि हवाई जहाज उड़ाएंगे, कभी लगता है कि क्रिकेटर बन जाएं या हॉकी के खिलाड़ी बन जाएं। ये तमाम गतिविधियां हर बच्चे को पल पल उसके जो गोल होते हैं वो बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और उन तमाम गोलों तक, ध्येय तक पहुंचने, एक होता है लक्ष्य जीवन का, टारगेट ऑफ लाइफ, और एक होता है पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस ऑफ लाइफ तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका सबका यही होता है कि आने के बाद और जाने के पहले अगर हमने कुछ ना किया, हम याद ना रहे, तो फिर हमारा आना भी व्यर्थ है और हमारा जाना भी व्यर्थ है। तो वो ध्येय होता है कि आए हो तो अपने चिन्ह को, अपने निशान को इस छोड़ के चले जाओ और व्यक्ति के रूप में भले ही समाप्त हो जाओ लेकिन एक विचार के रूप में कहीं ना कहीं हम और आप सब जागृत रहे, सबकी आकांक्षा होती है। तो उन्हीं चीजों में हम लगातार कई किस्म के गोल पोस्ट हमारे बदलते रहते थे, लेकिन धीरे ये एक ऐसी गतिविधि थी अभिनय कि पता लगा कबड्डी खेल रहा है तो स्टेट से कबड्डी खेल रहा है, कबड्डी बंद हो गई, खो खो खेल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, खो खो बंद हो गया, एनसीसी में बेस्ट कैडेट्स के अवार्ड मिल रहे हैं आपको, वो बंद हो गई। लेकिन ये एक गतिविधि ऐसी थी अभिनय जो लगातार निरंतर किसी भी स्थिति परिस्थिति में, स्थान बदला, स्थितियां बदली, परिस्थिति बदली, कॉलेजेस बदले, लेकिन ये एक्टिविटी एक निरंतर जारी रही और उसके प्रमाण है कि सागर विश्वविद्यालय में भी जब आए तो आपने हमारा बिखराव का स्वरूप भी देखा है, आप उस बिखराव को भी जानते हैं कि एक ऐसा बिखरी हुई चीज डली हुई है, लेकिन वो एक एक्टिविटी ऐसी हुआ करती थी कि जो निरंतर किसी भी स्थिति में श्रम दृश्य विभाग में जाके हम और आप करते रहते थे। तो फिर उसी दौरान परम पूज्य दादा जी ने, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि बेटा अपने शौक को अपना व्यवसाय बना लो, अब तुमको कुछ और काम नहीं करना है, अब जो काम करना है वो अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का करना है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करो। तो वो जो चीज मिली है वो ये जो वर्तमान का लक्ष्य है ये हमारे गुरु द्वारा निर्धारित, जिन्होंने हमारी प्रकृति को, हमारी वृत्ति को देखा, समझा और उन्होंने अपनी प्रकृति और वृत्ति के हिसाब से उन्होंने माकूल टारगेट हमको दे दिया और उसी का परिणाम है कि उस माकूल टारगेट के ऊपर वो हमें निरंतर फलक दर फलक देते चले जा रहे हैं कि कभी अभिनय करवा देते हैं तो कभी किताब लिखवा देते हैं, गद्य भी लिखवा देते हैं, पद्य भी लिखवा देते हैं, व्यंग भी लिखवा देते हैं और पुराण भी लिखवा देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति को उसकी प्रकृति के मुताबिक किरदार मिल जाता है तो फिर व्यक्ति असफल नहीं होता, फिर वो सफल होता है। सफल तो आप हो गए हैं और आगे और सफल होंगे, हम सब दोस्तों की कामना है और यहाँ बैठे सारे लोग चाहते हैं कि आप सफलता के नए नए आयाम छुए। मगर हम सब जो सागर के लोग आपको जानते हैं काफी पहले से, हम लोग को लगता तो था कि आप कुछ बनोगे मगर अभिनेता बनोगे नहीं सोचा था, हाँ ये जरूर जानते थे कि नेता जरूर बनोगे। तो अभिनेता तो क्या वो नेता बनने की तमन्ना अभी है कि खत्म हो गई है? देखिए नेता से बहुत बहुत शिफ्ट हुआ है नायकत्व, एक होता है नायकत्व नायक और एक होता है नेता। तो जो समाज के आगे चले उसको नेता कहते हैं और जो समाज के साथ चले उसको नायक कहते हैं। तो कुछ मन में है? तो मन में हम और आप जो हैं ये नायक होने की जो तमन्ना है ये अच्छा है कि अपनी संपत्ति को, समाज की संपत्ति को जो स्वयं की संपत्ति माने उसे आप नेता कह सकते हैं, लेकिन जो स्वयं की संपत्ति को समाज की संपत्ति माने उसे आप नायक कह सकते हैं। तो हम और आप सब नायकत्व के साथी हैं। कभी नेता बनने की इच्छा आकांक्षा है कि ऑफर तो बहुत मिल रहे होंगे आपको?
जी बहुत सारे ऑफर मिलते हैं विधानसभा चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव हाँ, मतलब जब भी चुनाव आते हैं तो अचानक कहीं ना कहीं से दो चार पांच घंटियां बचती हाँ, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि 544 लोग ही उस संसद में बैठते हैं, लेकिन सड़क के ऊपर 1 करोड़ 130 करोड़ व्यक्ति खड़ा रहता है। तो मैं उस सड़क पे खड़े रहने वाले 130 करोड़ लोगों के साथ खड़े रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर सड़क जगी रहेगी तो संसद जगी रहेगी, और संसद जगी रही तो सड़क सजी रहेगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हम क्या हैं, हम अपने गुरु के दास हैं, कि अगर उन्होंने हम अपनी कोई योजना नहीं बनाते, वो योजनाओं को वो हमारे गुरुदेव बनाते हैं, तो उनको लगा। और अभी हमारा मन अभिनय से नहीं भरा है, अभी हमारा मन इस तमाम चीजों से नहीं, अभी हमको लगता है कि हमारे अंदर एक अभिनेता के रूप में और तमाम संभावनाएं हैं। एक कविता है ना कि धन सघन बन मोहक बनकर मुझको आज बुलाते हैं, और किंतु ये जो वायदे मैंने याद मुझे वो आते हैं, अभी कहां विश्राम बता वो मोह निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना। तो अभिनेता के रूप में अभी बहुत राजनीति का रास्ता भी खुला हुआ तो है आपके लिए। लोकतंत्र में हम और आप सब राजनीति में है ब्रजेश, अगर हमें अपना नेता चुनने का अधिकार है, क्योंकि ये हमारा ही तंत्र है, तो नेता चुनने का अधिकार तो जिम्मेदार लोगों के हाथ में होता है, और जिम्मेदार लोग हमेशा राजनीति की पहचान होते हैं। जब हम 500 रुपए का कपड़ा खरीदते हैं तो दुकानदार से 50 बार बहस करते हैं कि भैया श्रिंक तो नहीं होगा, कलर निकल गया, फट गया तो हम बदलेंगे, और क्या गारंटी। तो जब हम नेता का चुनाव करते हैं 5 वर्ष के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ जैसे भी लोग होंगे जो 50 बार विचार करते होंगे कि ये व्यक्ति ठीक है या नहीं है। जब हम अपने लड़के लड़की का संबंध करने जाते हैं तो 3 पीढ़ियों की कुंडली उठा कर देख लेते हैं, लेकिन नेता का चुनाव करते समय हम और आप 1 मिनट में भी कुंडली उठा कर नहीं देखते, और हम जाके अपनी बटन दबा देते हैं। तो मैं उन लोगों में से हूँ जो कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर है कि देखभाल के, क्योंकि अपरिचित घाट पर, नदी के घाट में और नगर के हाट में बिना परिचय के नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो आप लुट सकते हैं या डूब सकते हैं। हमने इंटरव्यू देखा था कि जावेद जाफरी का बहुत शुरुआती दौर में, जब उसने कहा था कि आशुतोष राणा वो अभिनेता है जो बंबई में हिंदी को चक्कू की तरह यूज करते हैं, तो जो हिंदी आप सागर गढ़वारा से लेके गए, तो हिंदी ने कितना आपको आगे बढ़ाया मुंबई? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब हम छोटे थे तो भाषाओं में मिलावट की आदत हम और आप सब बच्चों को पढ़ी जाती है, कभी आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, तो कभी बुंदेलखंडी का कोई शब्द, तो हमारी माँ जो थी वो बड़ी सुलझी हुई बन जाती है। एक दिन मुझसे बोली, बेटा अगर तुम भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ देगी, और अगर तुम भाषा की गरिमा बरकरार रखोगे तो भाषा तुम्हें अपनी गरिमा प्रदान करेगी। और माँ का किया गया कहा गया कथन वो आज हमारे साथ चरितार्थ होता है कि एक अभिनेता के रूप में आप आशुतोष राणा को पसंद करें नापसंद करें ये अलग बात है, लेकिन जब आशुतोष राणा बोलता है तो उनकी भाषा के बारे में आप ये प्रदर्शित करते हैं या ये कहते हैं कि नहीं भाई भाषा बड़ी सुसंस्कृत है, परिष्कृत है। तो हमने वो एक सबक था माँ का कि भाषा की शुद्धता, कि जब आप अंग्रेजी बोलें तो अंग्रेजी को उसकी गरिमा प्रदान करें, और जब आप अपनी मातृभाषा बोलें तो मातृभाषा को उसकी गरिमा प्रदान करें। तो आप देखिए कि जब भी कभी आप भाषा को उसका रुतबा देते हैं तो भाषा उठा के अपना रुतबा आपको प्रदान कर देती है। तो यही चीज हुई, और दूसरी ये चीज है कि हमारे अपनों की भाषा हिंदी है, हमारे सपनों की भाषा हिंदी है, हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है, और हमारे व्यवसाय की भाषा हिंदी है। तो हिंदी हमारी आदत भी है, आवश्यकता भी है, संस्कार भी है, और मजबूरी भी है, तो इसे परिष्कृत होना ही चाहिए। ये जो आपकी जो किताब है मौन मुस्कान की मार, और हम सब आपके दोस्त लोग जानते हैं कि आप मुस्कुराते कम है ठहाके ज्यादा लगाते, तो इस किताब को पढ़ने के बाद ये लगा कि जबरदस्त ठहाके की मार है, क्योंकि इतने सारे करेक्टर हैं, इतने अच्छे विश्व व्यंग हैं कि लगता है कि ये सारे जो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको कहाँ मिल गए? जैसे रामचंद्र, कप्पी पप्पी, भक्कू नारायण महाराज, आत्माराम, रवा राम, लता महाराज, गुंचई, थप्पू, तो एक राजधरवाली का एक किताब है जिसमें ढेर सारे कैरेक्टर हैं, मगर राजधरवाली में सारे कैरेक्टर खल थे,
इसमें खल नहीं है, बड़े मजेदार कैरेक्टर, तो सारे कैरेक्टर्स कहाँ से ढूंढा है? देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है और इन तमाम जो बात है इसमें मौन मुस्कान की मार में इन सबके नाम, क्योंकि हमारा विश्वास साउंड में है कि किसी के नाम को आप जब आप हम और आप नाम सुनते हैं तो कान में क्या ध्वनित होता है, एक ध्वनि, तो जब उस ध्वनि में एक लालित्य होता है, उस ध्वनि में एक कैरेक्टर होता है तो वो किरदार अपने आप में प्रभावशाली हो जाता है। तो ये जैसे नाम रखे राम रवा लखटा, राम रवा लखटा किरदार का नाम है, तो राम रवा लखटा महाराज वो राम राम कहते थे, रवा का हलवा उनको पसंद था और लपटा जो बेसन का लपटा होता है वो उनका स्वाद था। तो ऐसा व्यक्ति जो राम राम कहे और रवा और लपटा खाए तो अब उनको हम और आप हमारे यहाँ पे क्या कहने लगे, बोले राम रवा लपटा मारा, बोले कौन जा रहा है, बोले मुझे राम रवा लपटा। अब जैसे भक्त नारायण है, अब भक्त तो अगर देखा जाए तो अपने वो एक साउंड है, किसी को भगाते हैं, उन्हें घंटी आदमी भगा है तो भक्त की आवाज निकलती है। तो ऐसा व्यक्ति किसको बनाएंगे आप, कि जो पता लगी कि शादी में मरघटा के मंत्र पढ़े और मरघटा पे ब्याह के मंत्र पढ़ने लगे, ऐसे आदमी कहेगा। तो अब ऐसे ही एक किरदार को हमने यहाँ पे रचित कर दिया कि भाई जो है कि वो उनका नाम जो दिया था भक्त नारायण महाराज जो इसमें है कि वो एक इंस्पेक्टर साहब जो थे उन्होंने अपने बेटे की शादी में पंडित जी को बुला लिया, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति थे जो उस पूरे क्षेत्र के भगवान के पासपोर्ट अधिकारी थे, कि लोगों को लगता था कि चाहे मरे गड़े का मामला हो चाहे शादी विवाह का मामला हो, भैया जब तक वहां पे मौजूद ना रहे तब तक भगवान के यहाँ हमारी अरदास नहीं पहुंच सकती। तो भक्त नारायण एकमात्र विकल्प थे, तो उन्होंने बुला लिया तो पता लगी कि उनने इंस्पेक्टर साहब की बिटिया की बेटे की शादी में मरघटा पे मंत्र पढ़ने लगे। इंस्पेक्टर साहब होशियार थे, वो बनारस के थे, उन्होंने बोले तुझे मरघटा के मंत्र का पढ़ रहे तुम ब्याह में, तो बोले कि अब ब्याह के बाद तुम्हारा लड़का भी मेरा विरोध हो जाएगा, तो बोले ये सब पढ़ रहे। तो उधर पे से उन्होंने उसको भक्त कह के भगाया, तो उसके बाद से वो भक्त नारायण महाराज के नाम से पूरे शहर में प्रसिद्ध हुए। तो भुन्नू महाराज भी, भुन्नू महाराज हाँ, नाम तो राम का भुवनेश्वर लेकिन कस्बे के लोगों को भुन्नू महाराज के नाम जानते हैं। अपने यहाँ परंपरा है गुरु की, जैसे हम बच गए हम लोग बाल बाल के आशुतोष नाम है अस्सु नहीं भैया नहीं तो असुना ऐसा भुवनेश्वर नाम रख दिया है तो कौन बोले इतना लंबा चौड़ा नाम, तो भुन्नू इतिहास। तो अपने वो जो अपने यहाँ परंपरा है कि अब इतना लंबा चौड़ा नाम हम क्यों बोल रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर किस्सा हो रहा है, डॉक्टर लालचंद साही जबकि कर्मों के कारण कस्बे के लोग उनको डॉक्टर लाठी कहने लगे, हाँ। तो इसमें जो कुछ लिखा है किया है तो क्या कभी आपके साथ गुजरा है? देखिए इसमें एक इस किरदार की प्रेरणा हमको मिली थी, एक डॉक्टर साहब हमको मिल गए थे ऐसे के, लेकिन उनका नाम ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो हर मनुष्य की दबाते है अपने यहाँ कस्बों में, तो एक डॉक्टर वही सर्जन होता है, वही आपका फिजिशियन होता है, वही आपका मतलब जितने किस्म की आपको आदि में आदि उपाधियां हो सबका एक बात उपचार का होता है कि डॉक्टर साहब कंधा फिरा रहा हो तो डॉक्टर साहब नाड़ी पकड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब घोड़े फिरा रहे हैं तो डॉक्टर साहब नाड़ी पकड़ रहे हैं, और सबकी एक एक किस्म की एक उनकी दवाई है। तो ये जो डॉक्टर है ये क्या करते थे, इनका नाम था लालचंद साठी, तो लोग इनकी हरकतों के कारण कृत्य के कारण उनको लालचंद का ला इनिशियल लिखते ना अपन तब कैसे लिखेंगे, तो एल का उन्होंने ला उठा लिया और साठी का ठी, तो उनकी हरकतों के कारण उनको लाठी डॉक्टर लाठी कहने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो जैसा कि अगर हम और आप देखें परिवेश, अगर वर्तमान परिवेश आप देखेंगे तो लिखी जरूर डॉक्टर लाठी के हिसाब से है, लेकिन ये होता है कि मार मार के आपको रोगी सिद्ध कर देने वाली बात है कि आपने भले ही कुछ ना किया हो लेकिन आपको हम झूठा सिद्ध करते हैं, आपको हम किसी भी तरीके से कपटी और कलंकी सिद्ध करते हैं। तो ये उस किस्म की मानसिकता को उन्होंने की कहते आओ पता लगी कि डॉक्टर जैसे ही आपने पते के लिए पूछा जो डॉक्टर लाठी में है कि एक आदमी पता पूछने के लिए खड़ा हुआ है 6 साल के लड़के के सामने, लड़के ने देखा बोले बाबूजी मरीज, उसकी आवाज पता लगा कि ऊपर छत पर गई, वहां से एक नई बहू ने नीचे झांका बोले बाबूजी मरीज, फिर नीचे से खिड़की खुली जहां पर वो घचा गया है वो आदमी, उसको मरीज मरीज कह के आवाज लगाई जा रही है।
खिड़की खुली उसमें से एक दुबला पतला आदमी निकला, बाबूजी मरीज। जब तक वो समझ पाता कि इतने बीच में एक मोटी सी औरत ने उसको घसीट के डिस्पेंसरी के अंदर घसीट लिया और पटक के और उसको वहां पर बैठा दिया, और तब तक डॉक्टर साहब ने उसको अंदर खींच लिया। बोले बताओ का प्रॉब्लम है? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले नहीं, फिर तो हमारे दरवाजे अस्पताल के सामने खड़े किए थे। बोले कि हम तो पता, बोले पता पता तो पा उनने पता भूलने ही नहीं दिया। बोले तो पता कोई बुरी बात नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी पाते हैं, हम लोग सब पाते हैं, बाबा मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो मतलब उन्हें सुने ही नहीं कि वो क्या कहना चाह रहा है। बोले और हम जब बड़े बड़े आदमी हम 20 रुपए और पार करवाते, लेकिन जब ये बड़े लोग हैं इनको जब तक 20-25 हजार रुपया एक पार पर खर्च में इनको जेल नहीं पड़ता है। तो जिन लोग मतलब तो ऐसे कर करके उस व्यक्ति को डॉक्टर साहब ने का उनका चेकअप करने का जो तरीका था, एक वो ब्लड प्रेशर अगर ना बढ़े अपनी जगह पर खड़े खड़े कूदो, बोले कब कूदो, बोले कूदने लगे अपनी जगह पर खड़े खड़े, बोले हाँ भी नहीं चल रही, मतलब तुम्हारा अपने प्रेशर करेक्ट है ठीक है। बोले मुक्ति बंद करो, मुक्ति बंद करो, जोर से बंद करो, अब सब जितनी रोक सकते हो रोको। बोले हाँ, बिल्कुल मोहलाल हो गया, मतलब सारा महीने है, मतलब उनके ऐसे वाले उनके जो हम बोले कि निकाल के दो 50 रुपया, तुम सब बिल्कुल ठीक आदमी हो, हम तुम मतलब स्वस्थ आदमी से हम उन डॉक्टरों में नहीं है कि जो स्वस्थ आदमी को हम अस्वस्थ सिद्ध करते 50 रुपया दो। बोले कि हमने तो कही नहीं कि आप चेकअप करो। तो बोले फिर तुम खड़े क्यों थे वहां पे, तुम कहते घुसे? बोले हम घुसे नहीं, हमें तो घुसे रोगा हो गया। बोले फिर उनको निकाल निकाल के डॉक्टर साहब उनको 4-5-6 बीमारियां निकालते हैं कि तुमको ना मतलब अवसाद भी है ठीक है, वो रोने लगता है आदमी कहता, और हर रुपया हर दवा बीमारी पे 50-50 रुपया बढ़ाते जाते हैं, और वो अंत में 400 रुपया में सौदा टूटता है कि 400 रुपया ना नहीं तो हम अपने पुलिस में भर्ती करवा दे, पुलिस बुला लें कि जो पागल आदमी ने कुछ हो जाए, पागल आदमी को हम नहीं घूमने दे सकते सड़क पर। वो आदमी जाता है कहता है कि तुम जब वो 400 रुपए देने तैयार हो जाता है तो कहते हैं तुम आए काहे थे? बोले हम तो पता पूछ के आए थे, तो वे देखे थे और ले जाके कहते हैं उससे कि तुम्हें एक बीमारी हो रही, तुम्हारी आंख में नंबर है 2.25 दूर का। तो उसकी समझ में नहीं आता, उसको घसीट के अपनी डिस्पेंसरी के बाहर ले जाता, वो जिसका पता पूछ रहा था उसके बहुत बाजू में धुंधली सी नेमप्लेट उसी आदमी की लगी थी। बोले जो है पता, बोले और तुम मतलब पागल आदमी हो, तुम बड़े हो गए, मतलब गुमा हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति से पता पूछता है जो समझदार हो, लेकिन तुम बच्चा से पूछ रहे थे मतलब तुम पागल भी हो। तो बोले कि तुम 50 रुपए और लगेंगे। तो बोले के बोले और एक और बीमारी तुमको भूलने की बीमारी, तुम अपना बटुआ हमारी डिस्पेंसरी के अंदर भूल गए। ऐसे 50 तो अच्छे भले व्यक्तियों को बीमार सिद्ध कर देना, रुगण सिद्ध कर देना और भीड़ का हिस्सा बना देना, तो जैसे ही आप भीड़ के हिस्से हो जाते हैं आपकी विशेषता समाप्त हो जाती है और भीड़ तो पागल होती है। अच्छा मगर ये इतने कैरेक्टर मिल कहां से गया आपको? अब अपना काम ही व्यापारी यही है। मुझे जो जीवन में मेरा जो जिसको आप ये कहें कि हमारा तो पुराने साथी हैं, अपना तो पूरा जीवन व्यक्तियों को पढ़ने में, किताबों को पढ़ने में, देखने में, दुनिया घूमने में बीतता चला गया है। वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ज्ञान या सबसे अच्छी संपदा अनुभव की संपदा होती है, और अनुभव पर्याप्त मात्रा में, यहाँ से भी पता नहीं कौन कौन कितने किरदार चले जाएंगे और अगली मौन मुस्कान की मार 2 में आपको देखने मिले। तो यानी कि हमें लोग तैयार रहे की अगली मौन मुस्कान में कुछ कैरेक्टर यहाँ भी मिले हो सकता है। एक चीज और अच्छी है, कुछ जादू वाक्य लिखे हैं, सुनाना पड़ेगा कि बड़ी समस्या से निपटने का सबसे सरल उपाय है कि किसी छोटी समस्या को उससे बड़ा खतरनाक सिद्ध कर दीजिए। मतलब अगर आपके दाएं हाथ में दर्द है तो हम 1.5 मिनट में आपका दर्द दूर कर सकते हैं। कैसे? हम आपके बाएं पांव की उंगलियों को दर्द है, आप दाएं को दर्द भूल लियो, ये चल रहा है ना।
आप दर्द के लिए आए थे ना कि भैया माँ का नाम बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा 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 नहीं कोई चिंता नहीं, आप पट से पता लग गया दाएं हाथ के उमरिया को चढ़ दी तो आप भूल गए वो भूल गया। तो विस्मृति निदान है तो एक किसी उससे बड़ा खतरनाक से कर दीजिए, इससे हमारा ध्यान उस बड़ी समस्या से हटकर कहीं और केंद्रित हो जाएगा जिससे वो दिखाई नहीं देगी। किसी चीज का न दिखाई देना अमूमन उसके ना होने का प्रमाण माना जाता है। अगर कोई दिख नहीं रहा मतलब तो समस्या समाप्त मत करो, समस्या जिंदा रखो, छुपा दो ठीक है, या उससे बड़ी समस्या खड़ी कर दो। आपके पाओ में दर्द कर लिया हमने, कंधे का दर्द स्वतः ठीक होगा, जब ये ठीक होगा फिर वो पुनः जागृत होगा, आपको लगेगा कि भैया ये तो क्रॉनिकल है। तो इन्हीं सब में हमने कई सूत्र दिए हैं कि अपनी असफलता के अभ्यर्थ से बचने का आसान तरीका है कि किसी और की असफलता को चर्चा कर केंद्र बिंदु बना दीजिए। फिर यदि परिवार में कोई आपकी वर्तमान कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है तो आप उसे संतुष्ट करने का प्रयास मत कीजिए और ना ही आपको अपनी कार्य प्रणाली में संशोधन करने की आवश्यकता है। क्या करें फिर, आप तो बस होशियारी से अपने दादाजी की कार्य प्रणाली के प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। महाराज जी उनसे पूछो ना क्या करी थी, हमसे कह रहे तुम यार बात कर रहे बताओ उनने क्या किया था, उनके चक्कर में हम और आप बर्बाद है आपकी जिंदगी। ये ऐसे ही आप तो फिर घर की 75% लोग वर्तमान की सभी घटनाओं का कारण दादाजी को मानते हुए आप उनको दोषी और आपको दया की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। बहुमत की आवाज सत्य की आवाज होती वाला सिद्धांत आपकी रक्षा करेगा, आप वर्तमान के धर्म ध्वजवाहक बन जाएंगे। सत्पीड़ित हो सकता है किंतु पराजित नहीं, का भाव परिवार के जनों को अकल्याण में भी कल्याण देखने की दृष्टि भी दृष्टि से संपन्न कर देगा। आप अकल्याण में भी क्या देखने लगेंगे, कल्याण देखने लगेगा। अब मान लो कि यदि आप दबंग और शेरदिल इंसान की छवि होने के बाद भी क्या आपकी छवि कहेगी दबंग, दबंग और शेरदिल इंसान की छवि होने के बाद भी पड़ोसी से पिटकर आए हैं तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। स्मरण रखिए मुंह तोड़ का अर्थ मुंह को तोड़ देना नहीं, मुंह से तोड़ देना होता है। कैसे, तो उसी में कि आप निम्नलिखित वाक्यों का उल्लेख कीजिए। कैसे कि बेटा जितनी तुम्हारी कमर है ना उतनी हमारी उम्र है, समझे, इतनी बोलिए चले छर्रा मिनट मिनट करोड़पति हो जाओ, हमें चीन लो हम मार है गामा खजूर है ज्यादा, बेटा सज के आए हो मनो बज के जे हो, कान खोल के सुन लो हम तो बोली चल हो मनो घर के बीन है। कैसी बड़ी बड़ी आप कहेंगे, छोटे हम मार है कम, हम मार है एक के तो दो हो बैठ के को का कह रहा हो सूर्य नहीं रहो और निबुदा सुबह में छोड़ दे तो पीछे से दांत बाहर रहे हैं। ऐसी सब बातें हैं तो ये वो तमाम जादुई बातें हैं जो आप मतलब मुंह तोड़ जवाब दीजिए और मुंह से तोड़ देने वाला जवाब दीजिए तो उसमें आप सुरक्षित भी बचे रहेंगे और आपकी शेरदिल की छवि भी बनी रहेगी लंबा है। अच्छा एक आखिरी चीज और पूछ आपसे कि ये तो खैर व्यंग में आपने सबको सुना दिया और इसी किस्सा गोई हम लोग आपसे लंबे समय से सुनते रहे, मगर उस किस्सा गोई को लिखना कठिन होता है जो आपने लिख के बताया, तभी कभी चीज है। दूसरी बात मगर ये है कि हमें फेसबुक पेज देखते हैं आपका, आशुतोष के फेसबुक पेज पे 1.5 लाख फॉलोअर है और उस फेसबुक पेज पे आप जिस स्टाइल में लिख रहे हो जिस शैली में लिख रहे हो अद्भुत है और इससे एकदम अलग है, वो इस व्यंग से एकदम अलग चीज है और वो बड़ी पौराणिक आख्यान है। जैसे हम पढ़ रहे हैं सूप रखा पे आप लिख रहे हो, पशु पशुपति पे लिख रहे हो, एनिमल हाउस पे लिख रहे हो, तो वो लेखन और इस लेखन में जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि वो उस लेखन को एक अलग लेवल पे जाके लिखना पड़ता है। तो इस लेखन में उस लेखन में कैसे आप वहां पहुंच गए, हम लोग समझते थे आप यहीं तक लिख हो जाओगे। ये प्रभु जी गुरुदेव की अहेतुकी कृपा है कि एक तरफ जंग वो लिखवा रहे हैं, व्यंग का मतलब ही होता है
कि किसी विकृत अंग को समाज के सामने इस तरीके से लेकर आना कि समाज को उसकी वास्तविकता का पता भी लग जाए और उसे बुरा भी ना लगे, इस विधा को साहित्य में व्यंग कहा जाता है। क्या आपने कहा कि कह दी? बोले उन्होंने लिखा है भैया, बोले कि कनवा से कनवा कहो तो तुरतये है रूठ। अरे हीरे हीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। तो उसमें बात क्लियर भी हो जाएगी कि जैसे एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि महाराजा रणजीत सिंह एक आंख के थे, उन्होंने चित्र बनवाना शुरू किया अपना, तो जो चित्रकार देखते थे उन्होंने पेंट करना शुरू कर दिया चित्रकारों ने, तो उनको बड़ा बुरा लगा। एक चित्रकार जो होशियार था उसने समझा और उसने उस क्या किया, उसने धनुष बाण लेके एक आंख ऑलरेडी बंद थी, महाराजा को धनुष बाण पकड़ा दिया तो तीर अंदाज हो गए। तो ऐसी बात है, तो ये व्यंग की वो विधा है। अब रही बात जो मैं किताब अभी लिख रहा हूं जिसका नाम है राम राज्य, किताब का ये मन में विचार सिर्फ इस बात से आया था कि हम बचपन से चूंकि हमने रामलीलाएं करी है, रामायण जी हम घर घर पढ़ते हैं सुनते हैं, और मैं पूर्णतः उस किस्म का व्यक्ति हूं कि मतलब जैसे हम और आप बैठे हैं तो हमारा ये मानना है कि परमात्मा है और हम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ब्रजेश बैठे और आशुतोष बैठे, ऐसे ही है। सिर्फ दृष्टि का फर्क है कि दृष्टि जब अंदर की तरफ जाएगी तो शायद वो दिखने लगेंगे। तो ये चीज सुनने में आती थी, हमसे ये कहा जाता था कि सरस्वती की कृपा हो, आप लोग कहते हैं विद्या के केंद्र में बैठे हैं कि भैया सरस्वती को साध लिया है, तो सरस्वती की कृपा अगर होती है तो वो अशिष्ट व्यक्ति को विशिष्ट बना देती है। सरस्वती की कृपा के बारे में ये कहा जाता कि मुख हो वाचाल, कि अगर गुंगा व्यक्ति भी है और माता सरस्वती की कृपा हो जाए तो वो बोलने लगता है। लेकिन रामायण में एक दृष्टांत आता है कि देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि आप कहके कि महारानी कहके कि बुद्धि पे जाके बैठ जाओ, और उन्होंने क्या कहा कि वो जिह्वा पर बैठ गई और उनकी मति भ्रष्ट हो गई। तो मेरे जैसे व्यक्ति को ये मानने में असहजता हो रही थी कि ये तो भ्रष्ट को शिष्ट करने की साधन है माँ सरस्वती, ये शिष्ट को भ्रष्ट कैसे कर सकती। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान वाल्मीकि कुछ और कहना चाहते थे और हमने और आपने कुछ और समझ लिया। फिर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि शूर नगर रावण की बहनी तुम पुरुष न मौसम नारी, ये वाली बात आती चार लाइन में निपट गई। तो हमसे तो ये कहा जाता है कि ईश्वर का सानिध्य अपंग को भी दिव्यांग को भी क्या बना देता है, कुरूप को भी स्वरूप बना देता है। लेकिन दृष्टांत यह आता है कि ईश्वर के सानिध्य में वो गई और नाक कान कट गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस घटना के माध्यम से वो कुछ और कहना चाह रहे थे और हमने कुछ और, क्योंकि अगर ईश्वर है तो ये तो तय है कि मुख होए वाचाल और पंगु चढ़े गिरवर है, ये तो होगा ही। तो अब ईश्वर और आप बता क्या रहे हैं, हम एक जो रूपवान था उसको आपने क्या कर दिया, क्या ये संभव है? तो उन्हीं तमाम दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए, उन आख्यानों को ध्यान में रखते हुए एक अपने हिसाब से एक पूरी कथा लिखने का प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो उतर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपके जिस तरीके से पढ़ने मिला है, नए नए आयाम देखने को मिला है, वो निश्चित ही काबिले तारीफ के अभिनय के साथ साथ लेखन और लिखन भी तो अलग अलग स्तर पर, तो बच्चों ने सामने बैठे सारे लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। और आपको मैं इस तरीके में बात खत्म कर रहा हूँ जो कुछ मैंने लिखा है कि गाडरवाला की गलियों से मुंबई महानगर तक स्वाभिमान आपका पहला सीरियल था के साथ संघर्ष किया, संघर्ष में आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बहुत चोट खाई, चोट भी आपकी फिल्म थी, बहुत दुश्मन बनाए, दुश्मन में आपको दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला, मगर जो हासिल किया मुझे बड़ा आनंद मिलता है
ब्रजेश को मतलब मैं इनका समकालीन हूँ, इनका सहपाठी हूँ, इनके साथ मैं सागर विश्वविद्यालय में पढ़ता था और इस बात का मुझे आनंद मिलता है कि आज जो पत्रकारिता के कुछ मानक हैं, जो सच्चे मापदंड हैं, जो लोगों को प्रेरित करते हैं, उनमें से एक मानक और एक मापदंड ब्रजेश राजपूत है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके नोट्स से मैं मेरी शिक्षा दीक्षा भी है। ये बढ़ते दिखाने आप नहीं बताते तो बढ़िया ब्रजेश बड़े अच्छे विद्यार्थी थे और ये फर्स्ट हॉस्टल में रहते थे, मैं सेकंड हॉस्टल में रहता था और पहले रूम भी बगल बगल में थे, फिर लेकिन थोड़ा सा ब्रजेश को लगा कि नहीं, राणा के बारे में नहीं रहना चाहिए, इसे मुझे मेरे विद्या अध्ययन में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होता है, तो ब्रजेश ने फर्स्ट हॉस्टल में चले गया। लेकिन प्रेम हमें बहुत करते थे, सम्मान बड़ा करते थे और बड़े सजग थे हमारे प्रति, क्योंकि हमें कॉलेज वॉलेज जाना नहीं है, एक कॉपी में हमारे सारे विषय निपट जाते थे, एक पुस्तिका होती थी और अच्छे हम जागरूक विद्यार्थी भी थे। तो ब्रजेश पढ़ते थे, अपना इनका नोट्स बन जाते थे, प्रैक्टिकल की फाइल तैयार हो जाती थी। तो जब परीक्षा परसों है, एग्जामिनेशन परसों है, तो मैं बिल्कुल एक आज्ञाकारी शिष्य की भांति मैं ब्रजेश के कमरे में पहुंचता था और ब्रजेश से निवेदन करता था कि भाई तुमने जो पढ़ा है अब तक जो भी, तुम उसे मुझे सुना दो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ब्रजेश सहृदयता पूर्वक हमें सुना देते थे और हम उन्हीं के दम पे जाते थे और लिख के आ जाते थे और पास हो जाते थे। तो बहुत योगदान है। मैंने बहुत सारे पात्र मैंने किए हैं और क्योंकि मन में तमन्ना थी कि रावण बन जाए, लेकिन रावण की उम्र हमारी नहीं थी, तो चूंकि 11th के बाद हमने गारवारा छोड़ दिया तो रावण की उम्र तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत सारे किरदार हुआ करते थे जो हम करते थे और प्रॉक्सी भी करने में लगती थी कि मेन पार्ट वाले दिन वो मुख्य कलाकार आ जाएंगे और बाकी के जब छोटे छोटे पात्र होंगे, लेकिन उस किरदार होगा तो अंगद वंगद मेघनाथ वगैरह ये तमाम चीजें हम लोगों को करने में जाया करती थी। परशुराम, मुझे परशुराम संवाद बड़ा प्रिय है, तो उसकी दो चार पांच पंक्तियां जो की हमारे प्रिय भाई ने कहा है कि मैं तो दाता बलीन ध्यान में दृश्य शंकर, आते हैं परशुराम जी वहां से और धनुष टूट चुका है और आकर कहते हैं कि मैं तो दाता बलीन ध्यान में दृश्य शंकर के तभी एक भीषण तड़ाक की ध्वनि को सुनकर लगा के जो गया और शिखर टूटा और लाकर पार्वती ने शंकर को पकड़ा घबरा कर मैं मिथिला आ गया यंत्र चालित यूं पड़ेगा बोल जनक है कहां शंभ की धनुष धरो। वो जनक को डांटने चले हो रहे जनक बताते हैं कि वो टूट गया है। अब शिव का धनुष टूट गया कि टूट गया यह धनुष अहो है अचरज भाई शस्त्रहीन हो गए मेरे त्रिपुरारी। इसके आगे की लाइन इसलिए नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसमें वर्ण का वो आता है, पता लगी कि यहाँ पे आजकल सोशल मीडिया का पद खाओ पड़े तो भयंकर है आशुतोष। बोलो अब क्या करना है मुझको, तो बस एक बार में रक्त कुंड भरना है, निश्चय ही ये कृत्य किसी का होगा और विहीन करूंगा वही, फिर आज वही प्रण होगा कि नारे रण चंडिका के उधरे प्रलय हिमालय पर से झर 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 मृत्यु। मतलब चूंकि भैया वर्ण का मामला है सागर में मानो की चरण में ये चंद्र सूर्य तारा गण सभी रामू, ऐसा वाला उनका क्रोध पूरा था। उसके बाद रामचंद्र जी उनको मनाते हैं
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक निवेदन है आप सभी मित्रों से, जो अच्छा लगे वो स्वीकार कर लीजिएगा। ये समझिएगा कि मुझे आप जैसे ही सदमित्रों से मिला है, इन जैसे सदमित्रों से, और आपकी ही संपत्ति थी वो हमने आपको लौटा दी, लेकिन कुछ बातें हमारी अन्यथा भी लग सकती हैं आपको, तो बिल्कुल आपसे यही प्रार्थना है कि उन अन्यथा बातों को अपने पास मत रखिए, क्योंकि जो बातें मुझे बिगाड़ सकती हैं, अगर आप उन बातों को अपने पास रखेंगे तो वो आपको नष्ट कर देंगी। तो जो बुरा है वो हमारा है, और उनके प्रति से हम यही एक आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे बाजू से हॉर्न बजाते हुए कोई आदमी तेजी से निकलता है और आप अपनी मोटरसाइकिल पर या गाड़ी में उसको माफ कर देते हैं, ऐसे मुझे भी माफ कर दीजिएगा कि नई नई गाड़ी ली है तो थोड़ा हॉर्न बजाते हुए निकल रहे हैं, तो शायद दिखाना चाहते हैं, तो उसी सिर्फ आप मेरी बड़ी भावना माने। जय हिंद, जय भारत। तुम बिना अनुरोध के बढ़ते चलो शुभकामनाएं, मैं यदि संभव हुआ तो रास्ते में आ दूंगा। संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बोछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बोछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।